नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गति शब्द। गति का मतलब क्या होता है? स्पीड। यह है स्त्रीलिंग शब्द है और गति का मतलब गति होता है, स्पीड होता है कि कौन किस स्पीड से चल रहा है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था रुचि शब्द। रुचि का मतलब होता है इच्छा करना। जैसे रुचि शब्द हमने याद किया, उसी तरह से गति शब्द है, जो भी इसमें स्वर है, व्यंजन है, सब रुचि शब्द की तरह ही है। ये आपको ध्यान देना है। देखिए, अगर आपने रुचि शब्द याद कर लिया तो इस शब्द को याद करने में एक मिनट भी नहीं लगेगी। तो देखिए, विभक्ति और फिर वचन, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। प्रथमा विभक्ति है गति ही, फिर बड़ी की मात्रा गति, फिर गतय है। हमने रुचि भी ऐसे याद किया था, रुचि ही, रुचि, रुचय है। फिर देखिए द्वितीय विभक्ति, गतिम। ऊपर जो गति है यहां से विसर्ग हटा दी और यहां पर केवल मैं लगाया है, गतिम। इस प्रकार से कंपैरिजन करके, तुलना करके याद करना है, जिससे हमें अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए, रटना नहीं। गति और फिर गति ही। यहां पर जो द्विवचन में गति है यहां विसर्ग नहीं है और यहां पर विसर्ग है, और द्वितीय विभक्ति एक वचन में गति लेकर के मैं लिखना। और प्रथमा विभक्ति द्विवचन में देखो गति है और द्वितीय द्विवचन में भी गति है, दोनों सेम वर्ड है। और यहां पर एक वचन, प्रथमा एक वचन और द्वितीय एक वचन, अंतर क्या है? ऊपर जो है उसमें विसर्ग है, नीचे मैं है, हलंत युक्त। फिर तृतीय विभक्ति देखेंगे गत्या, क्या? गत्या। फिर गति भ्याम और फिर देखेंगे गति भी। गति लिखकर के भी लिखना या फिर गए आधा तय और या गत्या, ठीक है। तीन लाइन हमने याद कर ली। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे चतुर्थी विभक्ति, गत्यई। गए आधा तय, ये में दो, ये में आई की मात्रा, गत्यई। और इसको हम गतय ऐसे भी याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं गतय। और फिर है गति भ्याम, जो चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति और तृतीय विभक्ति, तीनों में समान चलता है, गति भ्याम, गति भ्याम, गति, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना। और फिर देखिए गति भे, चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन दोनों में समान चलता है, गति भे, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए पंचमी विभक्ति एक वचन देखिए, गत्याहा और फिर गते ही। अब चतुर्थी द्विवचन और पंचमी बहुवचन दोनों समान है, तो हमें चतुर्थी एक वचन और पंचमी एक वचन का ध्यान रखना, ठीक है। अब षष्ठी और पंचमी दोनों का एक वचन समान है, देखिए गत्या गत्या, गते गते। षष्ठी और पंचमी दोनों का एक वचन जो है वो समान है। और षष्ठी द्विवचन देखिए गत्यो हो, और सप्तमी द्विवचन भी गत्यो, दोनों समान। फिर षष्ठी बहुवचन गति नाम और सप्तमी बहुवचन गतिसु, और सप्तमी एक वचन देखिए गत्याम गतौ, गत्याम गतौ, ठीक है। संबोधन, संबोधन में हे गते, हे गति, हे गतय, हे गतय। तो एक बार फिर देखेंगे, प्रथमा गति ही, गति गतय है, द्वितीय गतिम, गति गति ही, तृतीया गत्या, गतिभ्याम, गति भी, चतुर्थी गत्यै या गतये, गतिभ्याम, गति भे, पंचमी गत्याह, गतेहे, गतिभ्याम, गति भे, षष्ठी गत्याह, गतेहे, गत्योहो, गतिना, सप्तमी गत्याम, गतौ, गत्योहो, गतिसु, और संबोधन हे गते, हे गति, हे गतय है। धन्यवाद।